हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोहिनी। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल की। क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना है, कब नहीं लेना, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश है आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल की। ये जो है हर मेडिकल स्टोर पर और जो है ऑनलाइन बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। इसमें जो है अश्वगंधा, मूसली और शिलाजीत जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो पूरी तरीके से हर्बल है, देसी जड़ी बूटी के द्वारा बनाए गए। ये जो है इसका इस्तेमाल जब करा जाता है जब पुरुषों में सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, स्टेमिना की कमी हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, वीर्य पतलापन है, या फिर धात की बीमारी है, या फिर नाइट फेल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, या अपने पार्टनर को सही तरीके से खुश नहीं कर पा रहे, संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तब हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ये नामर्दी और नपुंसकता को दूर करता है और स्टेमिना को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। अगर कोई जो है पुरुष अपनी पार्टनर को सही तरीके से खुश नहीं कर पा रहा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसकी टाइमिंग को भी बढ़ाकर जो है इससे जो है सेक्सुअल हार्मोन को बढ़ाता है। टाइमिंग की अगर कमी हो गई है तो उस परेशानी को भी ये दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। इसे जो है अगर ये ओरिजिनल हैमर ऑफ थॉर मिल जाता है तो उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के हैमर ऑफ थॉर के नाम से आ रहे हैं, कुछ नकली भी आ रहे हैं। अगर ओरिजिनल हैमर ऑफ थॉर मिलेगा तो इसके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसे जो है इस्तेमाल करने का तरीका है एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, गुनगुने दूध से या फिर गुनगुने पानी से लेना चाहिए नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद। कम से कम 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो है सेक्सुअल हार्मोन जो है मजबूत होंगे, सेक्सुअल हार्मोन्स जो है बढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, लिंग में तनाव आएगा, जोश स्टेमिना की जो है पावर बढ़ेगी। इसके साइड इफ़ेक्ट तो वैसे तो कुछ नहीं होते, क्योंकि ये हर्बल है, पूरी तरह से देसी जड़ी बूटियों द्वारा बनाए गए, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। इसलिए जो है अडल्ट हैं और शादीशुदा हैं वो इस्तेमाल करें, जो अडल्ट नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।